टर्न सिग्नल्स की जो प्लेसमेंट थी वो पहले आपको यहाँ पर मिलती थी कुछ इस टाइप से, बट अब आपको ये हेडलैम्प में मर्ज मिलने वाली है, एक तरीके से शॉक एब्जॉर्बर्स के ऊपर है। फ्रंट में आप देख सकते हो पुरानी ड्यूक 200 की क्लिप से आप कंपेयर कर पा रहे होंगे, यहाँ पर जो प्लास्टिक का काउल था वो कंप्लीट हटा दिया है। रियर में जो WP एपेक्स के सस्पेंशन आते थे ना मोनोशॉक, इसमें आपको गैस चार्ज कर दिया है नाइट्रॉक्स, जो कि आप यहाँ पर अंदर देख पा रहे होंगे। कुछ बहुत सारे लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि यार इसमें कलर TFT डिस्प्ले आ जाएगी 5 इंचेस की, जो कि सेम आपको ड्यूक 390 में मिलती है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली आज हमारे साथ फ्रेम में ऑल न्यू KTM ड्यूक 200। कंपनी ने इसमें 3 से 4 अपडेट्स कर दिए, जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, प्रॉपर रिव्यू करने वाला है। पिछली आपने एक डिटेल राइड वीडियो नहीं देखी है तो जाके चेकआउट कर लेना, जो हमारी शेड्यूल बाय सीरीज रहती है सारी बातें उसमें हमने डिटेल में करी है। बट आज प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस इसके जानने वाले हैं। 200 cc की बाइक लेने का प्लान कर रहे थे, NS 200, MT 15, Apache 200, इन सब के बीच में कंफ्यूज थे, ड्यूक 200 का ऑप्शन रखा है, तो आज की वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, स्टार्ट करते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल से। आज आपको लोकेशन भी अलग देखने को मिल रही होगी, बिकॉज पिछले आधे घंटे से मैं यहाँ पर लोकेशन ही सर्च कर रहा था, बट मैंने सोचा फिर क्यों ना यहीं पर शूट कर लेते हैं। सबसे पहले कीज से स्टार्ट करें तो पुरानी ड्यूक 200 जैसी सिमिलरी मिलती है, उसमें आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले। मेनली 3 से 4 अपडेट्स हुए, जो कि मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। 3 कलर चॉइसेस आपको मिल जाती है, ऑरेंज, एक फुल ब्लैक, एंड दिस वन इज सिल्वर विद ऑरेंज व्हील्स। साथ ही में प्राइसिंग की बात करें, पहले 1,98,000 रुपीज एक्स शोरूम आती थी, अभी जो प्राइसिंग करती है वो है 2,05,000 रुपीज एक्स शोरूम, 5,000 रुपये एक्स शोरूम बढ़ाई है। और इंदौर की आप ऑन रोड प्राइस मुझसे पूछोगे तो वो पड़ने वाली है आपको 2,45,000 रुपीज की। बेस्ट डील्स के लिए आप KTM विजयनगर इंदौर को कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स डाल दूंगा। स्टार्ट करते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल से। सबसे पहले तो मैं आपको चेंजेस बताता हूँ, देन हम आज के रिव्यू की ओर बढ़ेंगे। कीज को कर लेते हैं इंसर्ट। साथ ही मैं आपको पुरानी ड्यूक 200 की भी मैं आपको क्लिप्स बताते जाऊंगा, जिससे आपको चेंजेस समझने में ज्यादा ईजी होगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे ना, टर्न सिग्नल्स की जो प्लेसमेंट थी वो पहले आपको यहाँ पर मिलती थी कुछ इस टाइप से, बट अब आपको ये हेडलैम्प में मर्ज मिलने वाली है, एक तरीके से शॉक एब्जॉर्बर्स के ऊपर है, तो कुछ इस टाइप के टर्न सिग्नल्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, जो पहले ऊपर मिलते थे। तो कहीं ना कहीं ये लुक को भी ज़्यादा इनहांस कर रहे हैं। हैजार्ड स्विच भी यहाँ पर आ चुका है, जो कि आप दूर से लुक्स चेकआउट कर सकते हो कैसे लग रहे हैं। साथ ही में यहाँ पर बढ़ते हैं तो फ्रंट में आपको WP एपेक्स के USD सस्पेंशन मिल जाते हैं, अपसाइड डाउन फोक्स, जिसकी 42 mm डायमीटर के रहने वाले हैं। ओवरऑल ट्रैवल लेंथ भी बढ़िया है, चलाने में आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है, बिकॉज पुरानी ड्यूक में भी यही आते थे, ऐसे उसमें तो कोई अपग्रेडेशन नहीं है। बट मेनली जो चेंज आया है ना वो मैंने आपको बता दिया, जो कि रहने वाला है अपने टर्न सिग्नल्स में, जो यहाँ थे यहाँ कर दिए। और दूसरा सबसे बड़ा अपडेट आ चुका है इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में। बहुत सारे लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि यार इसमें कलर TFT डिस्प्ले आ जाएगी 5 इंचेस की, जो कि सेम आपको ड्यूक 390 में मिलती है। बट इसमें मैं जैसे ही ऑन करता हूँ, ये आपको फुल्ली कलर डिस्प्ले यहाँ पर मिलने वाली है। साथ ही में आप ये लेफ्ट के जो स्विच गियर्स देखेंगे ना, ये भी आपको सेम ड्यूक 390 वाले मिलते हैं। यहाँ पर आपको हैजार्ड का स्विच मिल जाता है, यहाँ से आप इसके इंस्ट्रूमेंटेड क्लस्टर को मैनेज कर सकते हो। बाकी राइट साइड का जो है कंसोल है, ये आपको सेम पुरानी ड्यूक 200 जैसा ही मिलने वाला है, बिकॉज आप 250 या 390 में देखोगे तो उसमें स्लाइडिंग टाइप आपको इग्निशन स्विच मिलता है। बाकी यहाँ के फीचर्स की भी बात कर लेते हैं, आई होप आपको क्वालिटी अच्छी मिल रही होगी। जैसे मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ तो इसमें आपको कुछ इस टाइप से स्विचेबल मोड्स मिल जाते हैं। ABS को आप सुपर मोटो एंड रोड मोड पे कर सकते हो, रियर ABS अगर आपको ऑफ करना है तो आप ऑफ कर सकते हो। साथ ही में बैक चलते हैं, यहाँ नीचे आपको बेसिक बाइक की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ट्रिप डिटेल्स मिल जाती है, आपके कनेक्टिविटी, शिफ्ट लाइट में चेंजेस कर सकते हो, डेट एंड टाइम सेट कर सकते हो, इस टाइप की डिटेल्स आपको मिलने वाली है। नीचे आपका लीटर पर 100 किलोमीटर का माइलेज शो करता है, ओडोमीटर शो कर रहा है, यहाँ पर स्पीड शो करने वाला है, साथ ही में ट्रिप ए, ट्रिप बी, फ्यूल लाइफ जैसे डिटेल्स शो कर देता है। वार्निंग अलर्ट्स भी अगर मैं की ऑफ करके ऑन करके दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर आपके सारे वार्निंग अलर्ट्स भी आ जाते हैं ऊपर, जो कि इंजन माल फंक्शन, ABS जैसे सारे डिटेल में आपको फीचर्स यहीं पर शो करने वाली है। तो ये एक सबसे बड़ा अपडेट हो गया है। साथ ही में गाइस तीसरे चेंज की ओर बढ़ते हैं। हेडलैम्प का चेंज मैंने आपको बता दिया, TFT डिस्प्ले का भी यहाँ पर बता दिया। तीसरा चेंज आप देखोगे ना तो इसमें जो इंजन काउल आता था वो अब हटा दिया है। फ्रंट में आप देख सकते हो पुरानी ड्यूक 200 की क्लिप से आप कंपेयर कर पा रहे होंगे, यहाँ पर जो प्लास्टिक का काउल था वो कंप्लीट हटा दिया है। अब ये कंपनी ने क्यों चेंज करा है मुझे पता नहीं, बाकी ओवरऑल गाड़ी उसमें भी अच्छी लगती थी, विदाउट उसके भी बढ़िया ही लग रही है, सच कोई इशू नहीं है। बाकी आप एज एन मॉड उसे इंस्टॉल कराना चाहो तो करवा सकते हो। साथ ही में फ्रंट में आपको यहाँ पर मिलते हैं 300 mm के डिस्क ब्रेक्स, जो कि आपके बाई ब्रेक रहने वाले हैं, ब्रेम्बो की तरफ से आने वाले 300 mm के डिस्क ब्रेक फ्रंट में मिलते हैं।
डीएल चैनल एबीएस भी डीएल डिस्क ब्रेक के साथ ये बाइक आने वाली है। और फाइनली बढ़ते हैं इस गाड़ी के हार्ट की ओर, जो कि रहने वाला है इसका इंजन। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, केटीएम की सबसे बढ़िया बात ये लगती है कि यार ये अपने टायर साइज में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। भले आप ड्यूक 125 देख लो, 200 देख लो, 390 देख लो, फ्रंट में काफ़ी बड़े 110 सेक्शन टायर्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, जो कि इसकी प्रोफाइल पे भी सूट करते हैं। और रियर में 150 सेक्शन टायर्स आपको मिल जाते हैं, ये आप चेकआउट करो। ये जो 150 सेक्शन टायर्स है, ये ना ही आपको NS200 में मिलते हैं, ना ही अपनी अपाचे 200 में मिलेंगे, ना ही MT15 में मिलेंगे। तो इसकी जितनी भी राइवल्स हैं ना, सबके कंपेरिजन में सबसे ब्रॉड टायर प्रोफाइल आपको इस गाड़ी में मिलने वाली है। फाइनली बढ़ते हैं इस गाड़ी के हार्ट की ओर, जिसके कारण ये गाड़ी इंडियन मार्केट में इतनी फेमस है, वो इसका इंजन। 199.5 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4 वॉल इंजन इसमें आपको मिलने वाला है। लिक्विड कूल्ड है तो फॉर श्योर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रहने वाला है। बेस्ट इन सेगमेंट 25 पीएस की पावर एंड 19.3 एनएम ऑफ टॉर्क के इंजन आपको निकाल के देने वाला है। वैसे तो इस गाड़ी के पावर की बात मैं ना ही करूँ तो बेटर है, बट फिर भी आप यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देख सकते हो, 199.50 सीसी की यहाँ पर मैंशनड है। तो ओवरऑल पावर डिलीवरी काफ़ी बढ़िया है, बट जहाँ तक की माइलेज की बात आती है, 30 से 35 तक का आप एक्सपेक्ट करके इससे चल सकते हो। एक और अपग्रेडेशन ये हुआ है, इंजन की तो बात यहाँ पर हो गई, रियर में जो WP Apex के सस्पेंशन आते थे ना मोनोशॉक, इसमें आपको गैस चार्ज कर दिया है नाइट्रॉक्स, जो कि आप यहाँ पर अंदर देख पा रहे होंगे कुछ इस टाइप से। तो अब ये गैस चार्ज हो चुके हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो चुके हैं। अब वो कितना क्या डिफरेंस आया वो मैं राइड वीडियो में बात कर चुका हूँ, वो आप एक बार चेकआउट कर लेना। बाकी फुट पैक सेम आपको यहाँ पर मिलते हैं, 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ही आती है, जो कि मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। 1 डाउन 5 अप पूरा आपका गियर सिस्टम रहने वाला है। यहाँ पर आपको लेग गार्ड भी प्रोवाइड हो जाता है कंपनी की ओर से ही। फ्यूल टैंक आप यहाँ पर देख सकते हो, ये फुल मेटल मिलता है। और जो साइड की कवरिंग है अपनी, ये पूरी फाइबर मिलने वाली है प्लास्टिक की। ड्यूक 200 के ग्राफिक्स आप यहाँ पर भी देख सकते हो, KTM के ग्राफिक्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। बाकी थोड़ा सा दूर से मैं आपको लुक्स चेकआउट करा देता हूँ। आपको पर्सनली तीनों कलर में से कौन से ज़्यादा बढ़िया लगते हैं मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। रियर की ओर आते हैं, वैसे तो 822 mm की सीट हाइट है, सेगमेंट में सबसे ज़्यादा सीट हाइट इसमें मिलती है और सेगमेंट में सबसे ज़्यादा वेट भी है। 159 kg का वेट रहने वाला है इस बाइक का। साथ ही मैं गाइस आज रैंडम रिव्यू कर रहा हूँ, बिकॉज यार अपनी वाली लोकेशन तो है नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना मेनली जो आपको इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है वो कर देता हूँ। रियर में 230 mm के आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, रियर ABS रिंग भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। ट्यूबलेस टायर आपको मिलता है 150/60 R17 इंचेस का। साथ ही में यहाँ पर आपको अंडरबेली एग्जॉस्ट मिलने वाला है। साउंड कैसा करता है ऑन करके दिखाता हूँ। काफ़ी रिफाइंड एग्जॉस्ट थंप है, पुरानी ड्यूक 200 से कंपेयर करोगे तो इंजन में तो चेंजेस आए नहीं इंजन या डायमेंशंस में। मेनली 3 से 4 अपडेट्स थे जो मैं आपको बता चुका हूँ। एक तो इंजन काउल हटा दिया है, साथ ही में कलरफुल TFT 5 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, ये कंसोल नया मिलता है, टर्न सिग्नल्स की प्लेसमेंट यहाँ पर कर दी है, साथ ही में हैजार्ड स्विच भी ऐड कर दिया है, ये भी एक एड ऑन है। ओवरऑल साइड मिरर्स की आप क्वालिटी ये चेकआउट कर सकते हो, डिसेंट से मिल जाते हैं। E20 फ्यूल आपका सपोर्ट करने वाली है, BS6 फेस 2 इंजन आपको इसमें मिलता है। सीट ओवरऑल आप देखोगे ना, राइडर एज वेल एज पिलियन दोनों के लिए कंफर्टेबल है, बिकॉज पिलियन के लिए भी अच्छी खासी जगह यहाँ पर मिल जाती है, एज सच कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। ग्रैब रेल्स पिलियन के लिए मिल जाती है, और जो प्लास्टिक क्वालिटी यूज़ करी है ये ना काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पर आप ये चेक कर लो, मतलब जो फिट एंड फिनिश है उसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। चेसी कुछ इस तरीके से प्लेस करी गई है, तो ओवरऑल जो डिज़ाइनिंग है ना वो ड्यूक 200 की काफ़ी बढ़िया लगती है। हालांकि रियर में आपको हेलोजन टेल लैम्प सेटअप यहाँ पर मिलने वाले हैं, टर्न सिग्नल्स में आपको बता चुका हूँ, टायर हगर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, आज की रिव्यू वीडियो को एंड करते हैं। कैसा लगा ये डिटेल्ड रिव्यू एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे तो आज की वीडियो में हमने ओवरव्यू दिया है, राइड एक्सपीरियंस जानना है तो पिछली वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, एक बार जाकर चेकआउट ज़रूर कर लेना। बाकी इस वीडियो के थ्रू चैनल पर आया हो तो प्लीज़ लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ।